स्वागत आपका आनादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आज ये घोषणा पत्र जारी किया। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनाने की भी वो कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी है। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय हैं, 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं, और जिनमें से खास तौर से कुल 101 गारंटियां हैं। इस घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर कुछ घोषणाएं हैं। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत को कम करने पर इस वचन पत्र में फोकस किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से लेकर 12वीं के छात्रों को 500 से 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी दी। जातीय जनगणना कराने की भी उन्होंने जगह दी। वचन पत्र समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक साल से लगे रहे। वचन पत्र समिति जिसके हमारे राजेंद्र सिंह जी, भाटन जी थे, बहुत सारे सब बैठे हैं यहाँ मेरे पीछे, इन्होंने एक साल निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है।